आप बहुत सारे सोप यूज करके देख चुके हो, क्या आपका कलर फेयर हुआ? नहीं। आपको मैं आज एक बहुत शानदार सा उपटन बताने वाली हूँ। फिर आपको लगेगा कि इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट की बजाय अगर मैं उपटन यूज करना शुरू कर दूँ तो कितने फायदे हैं। अपनी उम्र के आते आते मैंने आज तक 4 साबुन भी यूज नहीं की। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है केमिकल वाले प्रोडक्ट के। आप अगर याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही किसी लड़की या लड़के की शादी का टाइम आता है तो पुराने टाइम के लोग भी यही बोलते हैं कि इनको उपटन लगाना चाहिए। कोई लोग 1 महीने पहले से या 15 दिन पहले से उपटन लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना आने के बाद भी घरों में अभी भी 8 दिनों तक उपटन लगाया जाता है। ये उपटन आपकी स्किन के डिस्कलेशन को दूर करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम स्किन में होती है उनको भी दूर करता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना केमिकल के। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कि आज मैंने जो उपटन बनाया है ये किस तरह का है। सबसे पहले मैंने ली है करी लीव्स। आप सोचेंगे हेयर के लिए तो मैंने करी लीव्स का यूज सुना था लेकिन स्किन के लिए नहीं सुना। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फेयर करने का काम करता है, स्किन टोन को ब्राइट करने का काम करता है। मैंने करी लीव्स की 40 लीव्स करीब ली हैं जो मेरे पास ड्राई हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इनको 2 दिन सुखा के यूज कर सकते हैं। करी लीव्स का पाउडर भी मिल जाता है ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे। अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी करी लीव्स पाउडर का। दूसरी चीज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है सौंफ यानी फनल सीड्स। ये आपके स्किन के डिस्कलेशन को दूर करने के साथ साथ आपकी स्किन को इवन बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और एक अच्छा स्क्रब का काम भी करता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे स्किन को ब्राइट करने की। तीसरी चीज जो मैंने ली है वो है चंदन पाउडर। अगर आपके फेस में किसी प्रकार के दाने की मुहासे जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनको दूर करने का सबसे सरल तरीका जो होता है उनको वो है चंदन पाउडर। अगली चीज जो मैंने ली है वो है हमारा बेसन। इसके बारे में क्या बताऊं, बेसन तो हर एक घर में यूज किया जाता है। फेस के टैन को निकालने में, स्किन को ब्राइट करने में, स्किन को मॉइस्चराइज करने में, स्किन को इवन बनाने में बहुत सारी चीजों में यूज होता है। हमने 4 चम्मच के करीब बेसन लिया है। इसके साथ मैंने लास्ट जो चीज ली है वो है टर्मरिक यानी हल्दी। मैंने घर की खाने वाली हल्दी नहीं ली है, मैंने आंबा हल्दी ली है। ये हल्दी आपकी स्किन के कलर को ब्राइट करती है, ये चोट लगने के काम भी आती है लेकिन यहाँ पे आपकी स्किन टोन को ब्राइट करती है, आपकी स्किन को लाइटन बनाती है। इसको मैं कर लूंगी ग्राइंड और ग्राइंड करने के बाद मैंने इस तरह से बॉक्स में भर लिया है। ये करीब करीब 15 दिन के लिए तैयार हो गया और मेरे घर के सभी लोग इसको यूज करते हैं। एक बात और बता दूं कि आपको घोलना कैसे है। मैंने लिया है 1/2 चम्मच उपटन पाउडर और इसको मैंने दूध के साथ अच्छे से घोल लिया है। आप कच्चा या पक्का दूध किसी भी तरह का ले सकते हैं लेकिन मिल्क से अगर घोलोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लगाने का तरीका यही है, आप इसे अपने हाथों से लगाओगे जिससे ये प्रॉपर लग जाएगा और हल्के से मसाज करते जाओ। जब ये पूरे फेस में लग जाएगा तो 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दोगे और सूखने का इंतजार नहीं करना है। 5 मिनट बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लोगे और इसके लगातार 8 दिन यूज करने के बाद मुझे रिजल्ट जरूर बताना, क्योंकि रिजल्ट तो आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा दिखने वाला है। ये रिजल्ट आपके सामने है जैसा कि मेरे फेस पे दिख रहा है। आपका रिजल्ट कैसा आया ये जब आप बिफोर और आफ्टर का फोटो भेजोगे मुझे तो तभी पता चलेगा। अगर आपको मेरा ये उपटन पसंद आया हो तो आप भर भर के लाइक करना और एक बार इसको यूज करके जरूर देखना और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरा ये ड्राई फेस वॉश कैसा लगा। अगर इस तरह के आप सरल और सिंपल वीडियो चाहते हैं जो कि रिजल्टफुल होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन उसे भी दबा दो जिससे कि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो जो कि रिजल्टफुल होती है आपको देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।